Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से ले आया हूँ आप लोगों के लिए नई वीडियो चैप्टर नंबर 5। ओके, सो हम आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी के क्या है एरेज के अंदर। एरेज होते क्या है, तो लेट मी पॉइंट सम हाइलाइटर फॉर यू। एरेज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा एलिमेंट्स। ओके, जो ये डेटा एलिमेंट्स होते हैं दे हैव सेम डेटा टाइप। और जो एलिमेंट्स होते हैं एरे के, वो कॉन्सिक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस, मतलब ऐसी मेमोरी लोकेशंस जो साथ साथ हैं, ठीक है, चिपकते चिपकते एकदम, और उनको इंडेक्स के द्वारा रेफरेंस किया जाता है, इस चीज़ को हम सब्स्टिट्यूट भी कहते हैं। तो एरे को जब डिक्लेयर करते हैं हम, तीन चीज़ें हमें रिक्वायरमेंट होती है। पहले डेटा टाइप, कि भाई वो क्या स्टोर करेगा, जैसे इंटीजर करेगा, कैरेक्टर करेगा, फ्लोट करेगा, उसका नाम, उसका साइज, कि कितनी वैल्यूज मैक्सिमम ले सकता है। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर मैक्सिमम की बात आ रही है। तो टाइप नेम एंड साइज। ओके, तो टाइप जो डेटा टाइप लेगा, नाम उसका और साइज, ये होते कॉन्सिक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस। आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये सब्सक्रिप्ट इंडेक्सेस भी कहते हैं, इंडेक्स भी कहते हैं, ठीक है। और अब इन एलिमेंट्स को मैं एक्सेस करना है तो कैसे हम करेंगे, ठीक है, लूप के द्वारा करेंगे। जैसे फॉर लूप बना हुआ मेरा, int i marks 10, और यहाँ पर हमने कर दिया marks नाम की एक एरे बना दी 10 एलिमेंट्स की, 0 से 9 तक जाएगा, और i plus 10 and then marks equal to -1। हमने फिलहाल इसको वैल्यू से भर दिया -1 भर दिया फिलहाल। ऐसा हमने क्यों किया, ताकि जो मेरी एरे है वो खाली ना रहे, कुछ ना कुछ वैल्यू रहे, ताकि मैं उसको भरना शुरू कर सकें। तो एड्रेस जो होता है हर एलिमेंट का, वो होता है उसका बेस एड्रेस, और वेट ऑफ होता है, ठीक है, वेट होता है वैल्यू k माइनस लोअर बाउंड। k क्या होता है, इंडेक्स होता है उसका, जैसे हमें बेस एड्रेस कैलकुलेट करने होती है, वेट, सॉरी वेट नहीं, वर्ड हाफ वर्ड साइज है, उस वर्ड का साइज, मतलब अगर इंटीजर है तो उसका साइज होगा 2, फ्लोट है तो उसका साइज होगा 4, और कैरेक्टर है तो उसका साइज होगा 1। तो जैसे ये एरे है मेरे पास, मार्क्स मैंने मार्क्स भर दिए, तो उसके जीरो पोजिशन पे, तो मुझे उसका एड्रेस निकालना है इसका, तो इस मार्क्स 7 का एड्रेस क्या होगा, कैसे निकलेगा। तो बेस एड्रेस हमारे पास है ए का, लेट्स से 1000, क्योंकि हमें नहीं पता कि मेमोरी उसको कहाँ रैंडमली स्टोर करेगी, तो हमें इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है। हम लेट करके चलते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल। हमने कहा कि 1000 है भाई शुरुआत में, और हम क्या चाह रहे हैं यहाँ पर इसको, विद द वेट, हम इंटीजर एरे हैं, इट्स एन इंटीजर, तो 2 हो गया इसका जो वर्ड साइज हो गया, k माइनस लोअर बाउंड, तो लोअर बाउंड क्या होगा, 0 होगा, k हो गया मैक्सिमम, 7 माइनस 0 इज 7, तो 1000 प्लस, अगर मुझे निकालना है इसका, कि भाई इसका निकालना है, तो 1000 प्लस 2 माइनस 4 माइनस 0, ठीक है, 4 माइनस 0, तो k माइनस 0 इज 4, तो 24 माइनस 0 8, ऐसे हमारा दो 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 करते करते पड़ता जाएगा। तो आप इस तरीके से एरे के अंदर जो एलिमेंट है, उस एलिमेंट कहाँ पड़ा है, उसकी एड्रेस आप, उसका पता आप निकाल सकते हैं। इनिशियलाइजेशन, उसको शुरुआत कैसे की जाए, अगर हम मैं वैल्यूज में स्टोर पहले से ना करा हो, मैं इसको यहीं पर देना शुरू कर दूं, अंदर ही पहले से इसको दे दूं, कभी आप इनिशियली वैल्यू आप ये सेट करके चलेंगे, ठीक है। तो इनिशियलाइज एलिमेंट्स, इनपुट वैल्यूज, असाइन वैल्यूज, सारी चीज इनिशियलाइज करना स्कैनफ के द्वारा आप कर सकते हैं। असाइन करना, तो कोई एरे का कोई एरे पड़ी भी है, उस के एलिमेंट्स आपको एरे 2 में डालना है, तो कुछ इस तरह से हो गया आपका। लेंथ जो होगी अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1, मतलब जो लास्ट एलिमेंट है और जो लास्ट जो पहला एलिमेंट है उनकी जो बाउंड है, जो वैल्यूज है हमारी, प्लस 1 वो हो जाएगा, जो 7 माइनस 0 प्लस 1, तो 8 एलिमेंट्स हो गए, ठीक है। ये ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको इस स्लाइड में सारा कुछ दिख जाएगा, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे इसको तो ईजिली समझ में आ जाएगा। तो राइट अ प्रोग्राम टू रीड एंड डिस्प्ले द नंबर्स यूजिंग एरे, ठीक है। stdio.h conio, तो ये हमने दे दिए 2 स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट और कंसोल। कंसोल हम किस लिए देते हैं, क्लियर स्क्रीन और क्लियर स्क्रीन के लिए देते हैं, और गेट सी एच हम नहीं लगाते। जैसे टर्बो सी पे अगर आपने काम किया तो गेट सी एच लगाना पड़ जाता है,
यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्लियर स्क्रीन की भी आई थिंक मेरे को जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इसको कोड ब्लॉक्स पर रन करेंगे तो यहाँ stdio.h ये सॉरी kone.h का कोई काम ज़्यादा आएगा ही नहीं। नेवर्थलेस हम आगे बढ़ते तो ये i=0n या प्रोग्राम का आंसर दे सकते हैं। मैं इसका स्क्रीन हल्का सा करूँगा एकदम सिंप्लीफिकेशन में। तो फॉर लूप में आते हैं तो यहाँ पर हम जो भी वैल्यूज ले रहे हैं यहाँ पर पहले m ने नंबर ऑफ इनपुट ले लिए m कहाँ तक चलेगा ठीक है। सपोज करें 15 है तो 0 to 15 से कम तक जाएगा ठीक है। तो शून्य से 15 से कम मतलब 14 तक जाएगा ठीक है। तो 0 से 14 तक जाएगा 0 to 14 जाएगा तो आपका यहाँ पर वैल्यूज लेता जाएगा। यहाँ पर वैल्यूज जो भी होंगी आई को जीरो और जो भी आई है प्रिंट अप करता जाएगा और एलिमेंट्स हमने इस तरह से शो कर दिया। अभी हमने इसको कोई वैल्यू नहीं दिए है, हमने कहा कि पहले आप इसको एरे एलिमेंट्स शो कर दीजिए 0 0 0 0 है कोई वैल्यू जीरो एरे एलिमेंट्स क्या है मतलब एरे क्या है हमारा 1 0 1 2 3 4 5 6 उसके ऊपर आप वैल्यूज लेते जाओ आप शो करते जाओ कि भाई ये क्या है और आप इसके ऊपर वैल्यू देते जाओ ठीक है। तो मतलब जीरो इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू आएगी ये आएगी, फर्स्ट इंडेक्स पे कौन सी आएगी ये आएगी, सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ इस तरह से आप शो करते ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं ये प्रोग्राम को आप बिल्कुल ट्राई करेंगे अगर आप चाहते हैं कि प्रोग्राम मैं ट्राई करके देखूँ तो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा इन सब प्रोग्राम्स की जिससे आप आराम से इसको कर पाए। इंसर्टिंग एन एलिमेंट इन द एरे, आप एरे अगर मुझे एक एलिमेंट बीच में इंसर्ट करना है, आप लोग को याद होगा अगर आपने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा है तो एरे में इंसर्ट करने के लिए उसका एरे का नाम उसका साइज किस पोजिशन पर करना है और किस को इंसर्ट करना है ठीक है। तो ये एक एल्गोरिथम दे रखी है, एल्गोरिथम ध्यान से देख ले। हमने वही सेट आई है वाइल जब तक हमारा जो इंडेक्स है पोजीशन से ज़्यादा या बराबर है पोजीशन तक नहीं पहुंच जाता तब तक आप क्या करेंगे उस पोजीशन पे जो भी वैल्यू है आई प्लस वन की अगली जो वैल्यू है उसको हम शिफ्ट करें पिछली वैल्यू को अगली वैल्यू पे लाते जाइएगा शिफ्ट करते जाइए आगे शिफ्ट करते जाइए राइट टू लेफ्ट ठीक सॉरी लेफ्ट टू राइट लेफ्ट टू राइट आप राइट में शिफ्ट करते जाइए क्योंकि i i+1 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 इस तरह से आप बढ़ता जा रहा है तो लेफ्ट टू राइट आप शिफ्ट करते जाएंगे। तो मैं अगर मुझे डेटा है कोई एरे नाम की और 6 एलिमेंट है पोजीशन पे इंसर्ट करना है मुझे क्या जो 6 की लेंथ है 3 नंबर पोजीशन पे मुझे इंसर्ट करना है 3 भी ये 0 से एलिमेंट काउंट होगा 0 1 2 3 और क्या इंसर्ट करना है 100 तो इस 12 के जगह मुझे 100 इंसर्ट करना है। वैसे तो मुझे इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा कॉपी करना पड़ेगा शिफ्टिंग कर दी मैंने तो मेरा साइज अब मेरा बढ़ जाना चाहिए i = -1 ऐसे से करते करते आप इसको एक एक करके i-1 होते होते 12 को आपने शिफ्ट किया फिर 34 को करोगे फिर 23 को करोगे ऐसे करते करते आप या पीछे से आते गए आप ठीक है। जब तक मेरी पोजीशन मेरी i = n से स्टार्ट हो रहा है ना n से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ से आते गए तो पहले इसको कॉपी किया फिर 56 को कॉपी करोगे फिर 12 को किया तो जैसे 3 पे आ गए आप पोजीशन पे आ गए तब आपको क्या करना है यहाँ वैल्यू आपको रख देनी है n = 10+1 कर दिया आपने अब पहले 0 to 3 ये मेरी वैल्यू बढ़ जाएगी 10 = 10+1 मेरी अब हो जाएगी ठीक है। 0 to 6 है तो ये ऊपर मेरी 7 हो जानी चाहिए तो मेरी एलिमेंट्स मेरे उसी में बढ़ गया ठीक है। तो ये हमारा ये 100 यहाँ पर इंसर्ट हो चुका तो 43, 26, 34 और 12, 26 और 30 पहले हमने एलिमेंट बढ़ा कर रख दिया ध्यान दीजिए 6 की लेंथ है 0 to 5 था पहले ठीक है तो 6 हो गया तो अब 7 की लेंथ होगी पहले। अगेन डिलीट करना है तो मुझे अब 0 से चलना पड़ेगा पोजीशन से चलना पड़ेगा कहाँ से डिलीट करना है और कब तक जाना है मुझे n-1 तक जाना है तो मेरा इंक्रीमेंट होगा और उल्टा प्रोसेस होगा अब मुझे वापस लाना है इसको कम करना है ठीक है। तो जैसे अगर 6 2 है जैसे ये मेरी एरे है मेरी तो उसको लीड टू द फॉलोइंग प्रोसेस कैसे होगा 45 23 पहले इसको जगह दिया 56 को शिफ्ट करेंगे 20 को शिफ्ट करेंगे तो पहले 12 को शिफ्ट किया 34 पे कॉपी करते 56 को 12 पे करेंगे 3 वाले 4 को डेटा 4 को डेटा 3 पे कॉपी करेंगे 56 कॉपी हो गया फिर 20 को करेंगे अब मेरी एलिमेंट कम हो गई है तो मुझे जो हटाना था जहाँ तक हटाना था इस एलिमेंट को मुझे हटाना था सेकेंड पोजिशन वाले को तो वो मुझे हटा दिया तो मेरी एरे मेरी छोटी हो गई। लीनियर सर्च सिंपल अगर मुझे एक एरे के अंदर मुझे लीनियरली एक एक वैल्यू पे जा जाकर ढूंढना है कि क्या वो वैल्यू वहाँ पर प्रेजेंट है कि नहीं दैट इज कॉल्ड लीनियर सर्च। बाइनरी सर्च अलग तरीके से काम करती है क्या करती है कि भाई पहले एरे को सॉर्ट कर देगी सॉर्ट करने के बाद उसका मिड एलिमेंट निकालेगी फिर चेक करेगी
कि जो मेरी वैल्यू है वो ए मिड पे जो भी एलिमेंट पड़ा हुआ है मेरा मिडिल एलिमेंट पे जो वैल्यू पड़ी है वो उससे छोटी है कि बड़ी है। छोटी है तो लेफ्ट या राइट जो भी होगा उसके हिसाब से चला जाएगा। अगर असेंडिंग ऑर्डर है तो लेफ्ट में देखेगा उससे छोटी है वैल्यू तो, और बड़ी है तो उसका राइट साइड में। बस आप बिगिनिंग और एंड की वैल्यू बस आपके पास चेंज करते जा रहे ताकि मेरी एरे डिवाइड हो जाए। तो बाय सर्च की एक एल्गोरिथम में आप इसको एक बार ध्यान से देख लें तो ये प्रीवियस ये है, बिगिनिंग इसका 0 है, एंड इसका 10 है, तो मिड वैल्यू हमारी 5 निकल गई। तो 5 वैल्यू पे जो भी होगा, तो अगर मुझे 9 सर्च करना है तो पहले चेक करेगा इससे छोटी है कि बड़ी है, बड़ी है तो अब बिगिनिंग मेरा हो जाएगा 5 और एंड मेरा यही ऐसा हो जाएगा, बिगिनिंग हो जाएगा 6, मिड प्लस 1 6, तो 6 से ज़्यादा है तो 6 से 10 के बीच में चेक करेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका चेक हो सकता है। अब वन डायमेंशनल एरेज जो होती है वो इंटर फंक्शन कम्युनिकेशन भी काम करती है। तो अगर आप एक वन डी एरेज को आप पासिंग करा सकते हैं या तो पूरी एलिमेंट पास कर, पूरी एरे पास करा दे, ठीक है, इंडिविजुअल एलिमेंट्स ना करके, और या इंडिविजुअल एलिमेंट्स भी कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से कि आपके रो एंड कॉलम्स होते हैं, आपके टू डायमेंशनल एरेज हो गए आपकी, इसको देख के आपको मैट्रिक्स याद आ रहा होगा, ठीक है। तो मैट्रिक्स आपका इस तरह से बनता है, तो पहले में आपका रो साइज, दूसरे में कॉलम, ये नॉर्म है सी लैंग्वेज का। अगर आप इसको प्रोसेस वही सेम मेमोरी है, सेम 00010230232 जो भी हमारे एड्रेसेस हैं वो LJ-1 I-1 दोनों के लिए, तो कॉलम एंड रोज दोनों के लिए देखना पड़ेगा, और मेमोरी जो वेटेज होगी हमारी उसकी। ओके, तो जैसे हमारी ये एरे है तो उसको फॉर लूप चलाएंगे, फॉर लूप और डबल फॉर लूप चलेगा। पहला फॉर लूप हमेशा रो के लिए होगा, दूसरा फॉर लूप होगा हमेशा कॉलम के। मैं इसको थोड़ी देर रखता हूँ, आप स्क्रीन को पॉज कर सकते हैं, तब तक आप ये प्रोग्राम लिख सकते हैं। टू डायमेंशनल अरेज जो होते हैं इंटर फंक्शन कम्युनिकेशन जैसे बताया, तो आपका पासिंग रो, अगर रो पास करने तो सिर्फ एक एलिमेंट, यहाँ पर एक एरे वन मैंने पास कर दिया, 4, 5, 6 पास कर दिया, या फिर पूरे के पूरे और उसके ऊपर मैंने काम करना शुरू कर दिया फंक्शन के अंदर, ये पास कर दिया मैंने 4, 5, 6 और उसके ऊपर इंटू 10 हर हर एलिमेंट को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 40, 50 और 60 आ गया। मल्टी डायमेंशनल एरेज आपकी इस तरह से हो सकती हैं, ठीक है। 3D हम 3D को शो नहीं कर सकते, हम इस तरह से शो कर सकते हैं। ये हो गया 2×2×2 एक 3-डायमेंशनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये आपका ये 3-डायमेंशनल मैट्रिक्स को 3 फॉर लूप लगेंगे, IJNK नेस्टेड फॉर लूप लगेंगे, इसको इनपुट कराने के लिए भी और इसको शो करने के लिए भी। एरेज के अगर हम कुछ भी एलिमेंट इंसर्ट करना है, शो करना है, डिस्प्ले करना है, ट्रैवर्स करना है, जितने ऑपरेशन हमें करनी है सब में फॉर लूप का काम आएगा ही आएगा। स्पार्स मैट्रिक्स क्या होती है? स्पार्स मैट्रिक्स एक कंसेप्ट है जिसकी कई वैल्यूज होती है जीरो की तरह, जीरोज होती है, मतलब उसमें ये होगा कि भाई आपके जो ये जैसे हो गया आपका कि भाई स्पार्स मैट्रिक्स दैट हैज मेनी एलिमेंट्स विद द वैल्यू जीरो, कई ज्यादा एलिमेंट्स जीरो हो गए उसको स्पार्स मैट्रिक्स कहते हैं। तो दो टाइप के स्पार्स मैट्रिक्स होती है, एक होते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और एक होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर में तो आपकी अपर ट्रायंगल में वैल्यूज पड़ी है नीचे में 0, 0, 0 में सारी, और लोअर ट्रायंगल में वैल्यूज है डायगोनल से नीचे वाली जो वैल्यूज है उनमें वैल्यूज है, डायगोनल से ऊपर वाली में वैल्यूज नहीं है, इसका मतलब जीरो है। तो नॉन जीरो एंड जीरो ये दो टाइप के स्पार्स मैट्रिक्स है। आप एक कोशिश कर सकते हैं इसको कैसे कंस्ट्रक्ट करें। एक तरह का स्पार्स मैट्रिक्स ये भी होती है डायगोनल मैट्रिक्स हो गए ट्राई डायगोनल, तो डायगोनल के साथ साथ दो डायगोनल और जा रही है उसके ऊपर के डायगोनल और नीचे के डायगोनल, बाकी सब एलिमेंट्स क्या है मेरे जीरो है तो उनको डिस्प्ले हम नहीं कर रहे। तो दोस्तों अब हम इस स्लाइड पे एंड शो पे आ चुके हैं, कोई दिक्कत है तो आप प्लीज बताइएगा, मैं फिर से मिलता हूँ आपको नए वीडियो में। थैंक यू।